हे गाइस, हम लोग जा रहे हैं गांव के चर्च में और बहुत घाई घाई में हम लोग रेडी हुए हैं। 8 बजे का टाइम था लेकिन हम लेट हो गए, लेकिन मिसा अभी चालू हुआ नहीं है। तो हम लोग पहुंच रहे हैं और गांव का चर्च जो है उसका भी काम चल रहा है, नया बना रहे, तो वो भी वीडियो में दिखाऊंगा आपको। गाइस, ये हमारे गांव का चर्च और बहुत ही बढ़िया बन रहा है और इसका 24 तारीख को चर्च का अभिषेक भी है। तो ये फादर डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा कलर लगाया जाए ये बॉर्डर पे, और एक खिड़की का कलर बाकी है और दिन अभी सिर्फ 9 दिन बचे हैं। तो गाइस, यहाँ से अभी इंटर करते हुए फिलहाल कोई पहुंचा नहीं है, मैं मम्मी को छोड़ने आया हूँ। ये गोटो के पास से एंट्री और ये सब सजावट किया हुआ है गांव के हिसाब से, जो भी सजावट कर सकते। तो गाइस, ये नजारा है ऐसे। तो गाइस, मम्मी को छोड़ने के बहाने मैं पहले आ गया हूँ और थोड़ा सा शूट लेता हूँ मैं और दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा चर्च बना है। हालांकि मैं एक दिन भी नहीं आया हूँ चर्च के, जो गांव वालों को काम काज करना था उसमें मैं एक बार भी नहीं आया, मेरी मम्मी ही आई जितनी बार भी आई है। बहुत ही खूबसूरत सजा है चर्च को। तो गाइस, अभी सब फादर्स भी आ गए हैं और उनकी गाड़ी भी लग गई है, लेकिन जो एंट्री होगी वो गोटो के पास से होगी। तो सारी पब्लिक जा रही है अभी गोटो के पास, वहाँ से डांस करते हुए आएंगे हैं जो हम उनका यहाँ पर स्वागत करेंगे, उनका हाथ धोएंगे, उसके बाद जो हमारा यहाँ का परंपरा है, हमारा रीति रिवाज है, उनके अनुसार हम लोग उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद यहीं से हम लोग नाचते हुए हम लोग नए की जगह की ओर जाएंगे। तो हमारे बीच में सारे फादर प्रोविंशियल हैं, दिल्ली प्रोविंस के प्रोविंशियल, उसके फादर भी हमारे विकर जनरल फादर मुक्ति प्रकाश विंश जसपुर ग्राम प्रांत के विकर जनरल हैं। तो हमारे फादर विजय सोय वाइस प्रोविंशियल हैं, उसके बाद फादर सचिन हमारे एजेंसी है प्रोविंस के एडवर्ड डेवलपमेंट ऑफिस के ये हैं, तो और जितने भी फादर्स बाहर से आए हुए हैं तो हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो अभी हमारा जो परंपरा है, रीति रिवाज है, तो रीति रिवाज के अनुसार हम उनका स्वागत करते हैं। तो चले पकड़ के
छोटा होना चाहिए, क्योंकि समस्या का पूरा भार से भी ज्यादा एकदम सब ही होता है। तो ये सारे फादर्स हैं जिनका वेलकम किया जा रहा है। Oh,
आज हम सभी के लिए, विशेष करके हमारे कुरुम डोड़ा कलिसिया के लिए आज का यह पल बहुत ही ऐतिहासिक पल है। हम सभी को आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे सामने आप लोग देख रहे हैं कि एक सुंदर भव्य गिरजाघर का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन और आशीष के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले हमारे जसपुर धर्म प्रांत से आए हुए एक चिल्ड्रन भक्ति प्रकाश बिंज को मैं हार्दिक स्वागत करना करता हूँ, जिन्होंने हमारी निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया और बहुत व्यस्त होने के बावजूद आज हमारे बीच में है। उन्हीं के द्वारा आज का यह गिरजाघर और विश्व बलिदान संपन्न किया जाएगा। तो हम उनको पूरे जो पहला पारिश के गुरु डोड़ा गांव की ओर से आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। फादर, तो आपका हार्दिक स्वागत है। इसके बाद में मैं आज बहुत खुश हूँ स्वागत करने के लिए हमारे बीच में श्री फादर डेविस पनापुरम है, हमारे दिल्ली प्रोविंस के प्रोविंशियल है। तो हम आज उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने यहाँ पुराना जो गिरजाघर था उसको देखा था। उसी समय फादर ने कहा कि यहाँ पर एक गिरजाघर, नए गिरजाघर होने की बनना चाहिए, और उन्हीं की अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में आज जो हम गिरजाघर देख रहे हैं यह बन पाया है। तो मैं कुरुमडोरा गांव वासियों की ओर से और मेरी ओर से मैं श्रद्धेय फादर डेविस हमारे दिल्ली प्रोविंस के प्रोविंशियल को मैं हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ में हमारे दिल्ली प्रोविंस से ही वाइस प्रोविंशियल फादर विजय सोए आए हुए हैं। मैं उन्हें कहा कि आप आ ही रहे हैं इधर, तो एक दिन थोड़ा पहले आइए, कुंडोड़ा गांव के गिरजाघर का आशीष में आप भी सम्मिलित हो जाइए। और उन्होंने हमारे निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया, तो हम उन्हें भी हार्दिक स्वागत। हजन जी है और उन्हीं पहले फादर बीजू थे, अभी अभी नया चार्ज ये है उन्हीं की जगह में है। तो हम इन्हें भी विशेष धन्यवाद करते हैं, इनके कारण से, इन्हीं की सहायता से, इन्हीं के मार्गदर्शन से भी कहेंगे इस गिरजाघर का निर्माण हो पाया है। तो हम श्रद्धेय फादर सजीव को धन्यवाद और हार्दिक स्वागत करते हैं। उसी के साथ में फादर एडवर्ड सक्रामक है, जो थोड़ा अलग फादर, जब भी यहाँ पर इस गांव में कुछ प्रोग्राम होता है वे आते हैं और आज आए हैं हमारी इस खुशी में सब आगे होने के लिए। तो हार्दिक स्वागत करते हैं फादर बशीर आए हैं, बशीर हमारी बसीन से, बशीर बीच बसीन ऊपर में है ना, दूर नहीं है ना, तो वहाँ के पल्ली पुरोहित हैं, पल्ली को छोड़ना आसान नहीं होता है, आप लोग सब भी जानते हैं ना, तो ना पल्ली को छोड़ करके हमारे इस खुशी में सहभागी होने के लिए, हम सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए वे यहाँ पर उपस्थित हैं। हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारे जितने भी धर्म बहने आई हुई हैं, सिस्टर आई हुई है, नहीं दिख रही है गांव की कहां पर है, तो हम सिस्टर का नाम तो इमिलिया गांव की है, फादर अरविंद के साथ आई हुई है, तो हम उन्हें हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारे जो पहला दिव्या वंदना कॉन्वेंट से दो सिस्टर्स हैं सुचिता सुकुंदा, हम उन्हें भी हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके बाद मैं आप सभी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ।